बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान लाइव नशरियात पर आपका खैर मुकदम। आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन किराम वेल विशर्स में बाखर वापस देंगे। फिलहाल नाज़रीन मोहतरम, बात करेंगे मौसम के हवाले से। हर रोज़ की तरह आपके सामने हम मौसम का जो अहवाल वो लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम 40 रोज़ा बादशाह की बात करें, यानी कि चले कलान, फिलहाल उसके 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 16वां दिन में आप चले कलान दाखिल हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो मौसम में तब्दीली वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल अगर हम टम्परेचर की बात करें, शबाना दर्जरात मुसलसल गिरावट आने की वजह से जो दर्ज हरारत वो मनफी तक गिर गया है। हर जगह पर इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत है वो देखने को मिल रही है और पूरी वादी सर्दी की लपेट में आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो महकमे मौसमियात ने फिलहाल 10 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है और 10 के बाद शायद मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी होने की पेशनगोई की गई है। फिलहाल अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें, मौसम काफ़ी ठंड है और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि गर्म मलबूसात का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी वादी में इस वक्त लोगों ने कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस यानी फेरन और कांगड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया। फिलहाल जो मेरा कैमरा पर्सन वो आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाए, आज अगर हम मतलब की बात करें जो इस वक्त आप वो बिल्कुल अबरा आलू है, लेकिन कहीं कहीं इस वक्त धूप भी खिली हुई है। लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं बिल्कुल फेरन पहन के जा रहे हैं और अक्सर बेशतर हम ये देख रहे हैं कि जो आबी ज़खायर है वो भी मुंजमद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अब जो चले कलान के तेवर वो दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मौसम में कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं, तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि जो आप भी अपने अपने इलाके से हमें अपडेट कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है गुलिस्तान लाइव फीड हो या गुलिस्तान न्यूज़, पल पल आपके साथ जुड़े रहते हैं, हर एक खबर पर हमारी नज़र होती है और आपको खबर कर रहे हैं। अपने दुआ में याद रखिएगा। दीजिए अपने मेजबान फिर मदफ को इजाजत। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।